और तस्वीरों के साथ सीधे रुख अमित आपकी तरफ करेंगे। बांदा से गाजीपुर के लिए शव ले जाया जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए सबसे पहले सबीना मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं और मुख्तार अंसारी का बॉडी जो है इस वक्त मेडिकल कॉलेज बांदा से निकल चुका है और सीधे गाजीपुर के लिए जा रहा है। 420 किलोमीटर का सफर तय करना है। इस वक्त हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं और जो संभावित रूट हमने बताया था सुबह में न्यूज एजेंट इंडिया ने अपने दर्शकों को बताया था सेम वही संभावित रूट पर इस वक्त जो ये बॉडी लेकर जा रही है बांदा पुलिस। और जैसा कि हमने कहा था अपने को कि जो बांदा पुलिस है वो बॉडी को स्कॉर्ट करेगी आगे और पीछे, ठीक उसी तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं कि बांदा पुलिस जो है मुख्तार अंसारी के बॉडी को स्कॉर्ट करके लेकर जा रही है। 420 किलोमीटर का सफर है और ये सफर बताया जा रहा है 6 से 7 घंटे में तय कर लिया जाएगा, यानी रात 11 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी की अब जो बॉडी है वो उनके पैतृक गांव में पहुंच जाएगा। मोहम्मदाबाद का गाजीपुर में उनका पैतृक गांव है और वहीं पर पहुंच जाएगा और उसके बाद सुपुर्दे खाक आज होगा या नहीं होगा इस पर संशय बना हुआ है क्योंकि देर रात पहुंचेगा। और उसके बाद हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि आज ही जो है सुपुर्दे खाक कर दिया जाए, लेकिन कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि शायद परिजन ना माने आज सुपुर्दे खाक के लिए। बहरहाल इस वक्त मैं आपको काफिले की तस्वीर दिखा रहा हूं और ये देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस जो है आगे हमारे चल रही है और एम्बुलेंस के पीछे एक गाड़ी है जिसपे पुलिस लिखी हुई है, ये बांदा पुलिस की गाड़ी है और ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लगातार आगे की तरफ ये हम बढ़ते जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और गाड़ी आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हम प्रयागराज के पास छोड़ेंगे। चित्रकूट होते हुए, प्रयागराज होते हुए, वाराणसी के आउटर इलाके से होते हुए ये काफिला जो है गाजीपुर पहुंचेगा। इससे पहले जो पोस्टमार्टम हुआ है सबीना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जो पोस्टमार्टम हुआ है वो पोस्टमार्टम का इनिशियल रिपोर्ट जो आया है निकल कर सामने वो कार्डियक अरेस्ट का ही आया है, दिल का दौरा पड़ने से मौत का ही अभी तक जो प्राथमिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कार्डियक अरेस्ट ही निकल कर सामने आया। विसरा प्रिजर्व किया गया, जिस तरीके से सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि हत्या हुई है स्लो पॉइजन दिया गया है, विसरा जो है वो प्रिजर्व किया गया। मैं तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम बांदा पुलिस के गाड़ी के ठीक पीछे हैं और बांदा पुलिस के गाड़ी के आगे वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी की बॉडी है। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी खुद मुख्तार अंसारी का बॉडी लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे और साथ में निकट अंसारी भी है जो कि मुख्तार अंसारी की बड़ी बहू है, अब्बास अंसारी की पत्नी है, वो भी साथ में है। ओवर टू यू सबीना। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित इस वक्त हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं बांदा से। ये अब काफिला निकल चुका है, एम्बुलेंस से गाजीपुर ले जाया जा रहा है शव। मुख्तार अंसारी इसी शव वाहन में, उनकी डेड बॉडी है, गाजीपुर ले जाया जाएगा। चित्रकूट, कौशाम्बी, भदोई से ये जो पूरा का पूरा इस वक्त आपको काफिला नजर आ रहा है निकलेगा। आगे पुलिस की वैन है, बीच में शव वाहन है और पीछे एस्कॉर्ट करती हुई दूसरी यूनिट आपको नजर आ रही है। ये न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बांदा के अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद सारे प्रोसीजर्स कर देने के बाद अब मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा है या पहुंच रहा है चित्रकूट, कौशाम्बी, भदोई से होता हुआ निकलेगा ये पूरा काफिला और पहुंचेगा गाजीपुर, वो पुश्तैनी, वो पैतृक इलाका जहां पर एक वक्त पर साम्राज्य मुख्तार अंसारी का हुआ करता था। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं अमित बकायदा उस पूरे काफिले के साथ निकल रहे हैं। सीधा अमित का रुख करते हैं। अमित, कितनी गाड़ियां साथ में मौजूद है और क्या उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा भी वहीं पर है? देखिए आप, बिल्कुल उमर अंसारी साथ में है, काफिले के साथ है और उमर अंसारी ही नहीं, निखत अंसारी जो कि अब्बास अंसारी की पत्नी है, उमर अंसारी की भाभी है, मुख्तार अंसारी की बड़ी बहू है, वो भी इस काफिले में साथ है। 10 गाड़ियां हैं आप इस काफिले में, बांदा पुलिस जो है स्कॉट की हुई है आगे और पीछे और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है वो सबसे पहले होगी क्योंकि उसी को रास्ता क्लियर करवाना है, रूट को क्लियर कराना है क्योंकि 420 किलोमीटर का सफर है।
तस्वीरें मैं आप रूबिका, आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इस काफिले में हम लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 420 किलोमीटर का सफर ये तय करना है और इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से मेरी बात यहाँ पर अधिकारियों से हुई है, अधिकारियों का साफ साफ ये कहना था कि 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। हालांकि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, एम्बुलेंस के ड्राइवर का कहना था कि 6 घंटे में वो पहुंचा सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि रात कितने बजे तक पहुंचते हैं। समय मुझे जो लगता है कि 11 बज जाएंगे रात को मुख्तार अंसारी की बॉडी को उनके पैतृक गांव पहुंचते पहुंचते। और देखिए यहां पर काफी लोगों को इस पूरी सड़क को खाली करा दिया गया है, आप देख पा रही हैं पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। हम सोच रहे थे कि आखिरकार लेट क्यों हो रहा है बॉडी निकलने में, लेट क्यों हो रहा है। कई बार इस तरीके से निकलकर बातें सामने आई कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उमर अंसारी खुद निकलकर आए और बोले कि उनको नहीं मालूम पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार सच्चाई यही थी जो न्यूज 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को बताया था। पोस्टमार्टम हो चुका था, प्रिजर्व किया गया था विसरा, क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि स्लो पॉइजन दिया गया रूबिका, और उसके बाद न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं डीएम के तरफ से। और एम्बुलेंस की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव एम्बुलेंस की तस्वीरें आप एम्बुलेंस की तस्वीरें के पीछे देख पा रहे हैं रवि, रूबिका एम्बुलेंस के पीछे सीओ की गाड़ी है। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सीओ रैंक का अधिकारी स्कॉट करेंगे आगे और पीछे दोनों तरफ। तो देखिए इस काफिले में सीओ रैंक का अधिकारी जो है पीछे की तरफ है, उससे पहले और भी यहाँ पर हम गाड़ियां देख पा रहे हैं काफिले में, और उससे पहले है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस लगातार आगे बढ़ती हुई, और इस वक्त देखे तो देखिए अब जब से हम लोग बांदा से निकले हैं जो हमारी गाड़ी की स्पीड है वो 50 से नीचे नहीं जा रही है, 50 अबव ही रह रही है, क्योंकि लोकल पुलिस ने इस सड़क को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं से भी खराब ना हो, हर प्रिकॉशन लेते हुए बांदा पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है मुख्तार अंसारी की बॉडी को। तो वहीं लोकल पुलिस जो है काफिले में सबसे आगे है। यानी फॉर एग्जाम्पल हम अपने दर्शकों को समझाने के लिए बताएं कि अगर हमीरपुर इलाके को हम क्रॉस कर रहे हैं, हमीरपुर जिले को हम क्रॉस करेंगे, तो हमीरपुर पुलिस की जो गाड़ी होगी वो काफिले में सबसे आगे चलेगी, और जैसे हमीरपुर को क्रॉस करके दूसरे जिले में जाएंगे उस जिले की पुलिस सबसे आगे काफिले में होगी। तो इस तरीके से ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, और रात 11 बजे तक पैतृक गांव मुख्तार अंसारी के यहां पहुंच जाएंगे। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जिस पर 61 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन कई लोग पूर्वांचल में जो जिन्होंने दुख पहुंचाया था, जिनकी जिनके परिवारों के लोगों की हत्याएं हुई थी, जिन हत्याओं के मामले में सजा हुई है मुख्तार अंसारी के, वो परिवार जो है काफी ज्यादा खुश थे आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत। और ऐसे कई परिवार के लोग आज हमारे साथ गूंज में मौजूद भी रहेंगे। अमित, सारी जानकारी हम तक पहुंचाइएगा, शुक्रिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर अमित ने आपको ये तस्वीरें दिखाई, यानी वो काफिला अब जो है बांदा से निकलकर मुख्तार अंसारी के शव को ले जाता हुआ पहुंचेगा गाजीपुर। ये 460 किलोमीटर 420 किलोमीटर का पूरा सफर है, कहा जा रहा है 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। तो 5 बजे के लगभग जो है ये काफिला निकला है, तो आप मान लीजिए 11 से 12 बजे रात के ये वहां पर पहुंचेंगे, और हो सकता है अहले सुबह यानी सुबह सवेरे दफना दिया जाए, हो सकता है रात में भी ऐसा संभव हो सुरक्षा लिहाज से। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि कल सुबह जब आप फज्र की नमाज खत्म करेंगे, उसके बाद जनाजे की नमाज होगी, मगफिरत की दुआएं होंगी, और उसके बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अब आप सोच